चलो जी, तो आज शेयर कर रहे हैं खट्टा मीठा पोहा और ये है देसी किचन इंस्टेंट मिक्स और ये पड़ा है मुझे 25 रुपीस का। प्रोसेस सबको पता होता है, कुछ नहीं करना है, ऊपर से इसको कट करना है। खुशबू तो इसमें से बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल खट्टी मीठी नहीं होती इंदौरी पोहा वाली। तो आपको कैसा लगा, तीखे पोहे पसंद है, खट्टा मीठा मुझे जरूर बताना। इसमें डालेंगे हम गरम पानी। अब इसके अंदर कोई ना, मतलब देखो इनर लाइन वगैरह कुछ भी नहीं थी, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूं थोड़ा सा कि वो ऊपर हो जाए। तो इसमें लिखा है कि ये है इंदौरी ब्रेकफास्ट जो कि सच है। इसके बाद सॉफ्ट, लेट्स सी, जस्ट ऐड बॉइलिंग वाटर कर दिया है और फ्रेश कोरिएंडर से, दोनों मेरे पास नहीं है तो विल हैव इट ऐसे ही। इसका जो नेचुरल टेस्ट है वो 60 ग्राम इसका वेट है और 25 रुपए का पड़ा है, 25 रुपीस का। पोहा है ना, ये मैंने बनाया था तो अभी देखो मतलब बहुत गीला गीला सा लग रहा है मुझे। ये नमकीन रखी हुई है मेरे पास में, ये मैंने इसमें ऊपर से डाल ली है। नमकीन डालने पर टेस्ट बेटर हो जाए, टेस्ट इसका अच्छा है, बस वो पानी की वजह से बता रहा हूँ टेस्ट नहीं आ पा रहा, तो देखते नमकीन के साथ में क्या आता है। मैं तो उसको 2 नंबर दूंगी क्योंकि उसमें पानी की जो मेन चीज है कितना क्वांटिटी पानी डालना है वही दिया हुआ नहीं है। तो अगर आपको भी पानी का नहीं पता है, क्योंकि ऑब्वियसली वही लोग यूज़ करते हैं जो कुकिंग का इतना पता नहीं होता है और या फिर उनके पास में टाइम नहीं होता है या डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो आई थिंक सो यू कैन अवॉइड इट। मत लेना, अगर लेना भी तो डब्बे वाले ना, इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं तो मेरी तरफ से। तो वीडियो पसंद आया जल्दी से करो लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करो उनके साथ जिनको ये नहीं खाना चाहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।